अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। कहाँ हो? मरकज में है। क्या हो रहा अम्मा? जा रहे साथी, तुम कब जाओगे? हमारा यूपी वाले सबसे बाद में जा रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं? हॉस्पिटल बता रहे लेके जा रहे हैं जांच के लिए। अच्छा, तो ना वहीं रख रहे हैं कुछ दिन के लिए या वापस आ जाए मरकज में? नहीं, वही रख रहे हैं। वहाँ तो मीडिया पे बहुत शोर मचा रखा भाई, जितने भी चैनल हैं बड़े बड़े, आज तक वगैरह, अच्छा, सब पे चल रहा कि 300 मिले, 400 में वो है, फुलाना है फुलाना है। तुम्हें तुम्हारी रिकॉर्ड कर रहा अपने चैनल के जरिए दूसरे लोगों तक तो पहुंचाऊंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा शोर मचा रखा है गोदी मीडिया ने। तो वहां के कैसे हालात है कुछ बताओ जरा। अब तक मतलब किसी को कंफर्म तो नहीं है एक भी आदमी को, कि एक भी आदमी के अंदर इस तरह, सिर्फ अभी जांच कर रहे जो हो? सिर्फ जांच कर, यहाँ से पहले निकल गए, जब यहाँ से बाहर निकले तो बाहरी कैंप लग रहा, अच्छा। तो पहले डॉक्टर चेक कर रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं हुआ है, फिर बल्कि वो हॉस्पिटल तो भेज मेरे ख्याल से मरकज वालों ने खुद कह रखा था कि 1-2 दिन में इस तरह जब खाली कराएंगे, उनकी जांच होगी, हम पूरा रहे। मदद करेंगे उनकी टीम की। जी तो पूरे जितने हम डॉक्टर हैं, अलग दवाई खाना है ना निजामुद्दीन में, अच्छा तो जो निजामुद्दीन के सारे डॉक्टर हैं वो सब इसी काम के लिए लगे हैं, उनके साथ अच्छा वो उनकी यानी हेल्प कर निजामुद्दीन रहे के हैं। डॉक्टर भी उनकी हेल्प कर रहे, हाँ, उनकी हेल्प और कर इस रहे तरह हैं। अफवाह फैला रखी मीडिया पे लोगों ने कि जैसे बस वहाँ कितना ही जुल्म हो रहा हो और कितने लोगों में इस तरह की बीमारी पाई गई हो। नहीं, कोई अभी तक तो ऐसा कोई मिला नहीं है यहाँ पे, क्योंकि अगर अच्छा होता तो बताते साथी। अच्छा हाँ, अभी नमाज किस टाइम होगी? अभी हुई बस नमाज, अभी फारिग हुई नमाज से। हाँ, और तालीम आया तो साहबा की? अच्छा तालीम हो गया फिर साहब की, उसके बाद अच्छा आराम होगा। अब यूपी वालों का सबसे बाद में आएगा, अभी अच्छा जो है महाराष्ट्र वाले गए और हैं। वो बता रहे कि एक मौत हुई, वो किस तरह हुई? वो तो मेरे ख्याल से वैसी हुई, उसे तो कोई बीमारी हाँ, नहीं थी। एक बुजुर्ग, वो अरे बुजुर्ग थे वो, में कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन उम्र का अच्छा तकाजा था, हाँ, बीमार थे। मौलाना मुफ्ती रहमान है हैदराबाद के, उन्होंने भी अपनी ऑडियो जारी करी कि उन्हें कोई बीमारी थी, तो ऐसी अचानक मौत हुई। अचानक मौत हुई, और यही है मरकज में दफन किए हैं पीछे मरकज अच्छा। के, बारहवीं जमात के साथी थे। हाँ, हाँ मैंने तुम वो मरकज में कई दिन से तुम्हारा से रब्ता करके, जो हमारे चैनल से जुड़े हुए लोग उन तक पहुंचा, तो इसीलिए फोन किया था मैंने। नहीं पहुंचा तो अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है, मतलब जांच हो रही है। तुम भी अगर देखोगे खोल के फेसबुक यूट्यूब पे, बड़े बड़े चैनल जितने लाइव चला रखा सबने, के बस हाहाकार मचा रखा मरकज निजामुद्दीन के अंदर, जबकि वहां कुछ भी नहीं अल्लाह करम से। चलो ठीक फिर ठीक है, दुआ की दरख्वास्त है। है। सलाम।